हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है मैं करने वाला हूं, उसमें मैं आपको लेग की फुट की मूवमेंट पूरी दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको ए बी और सी के बारे में पता चलेगा। ये कंप्लीट वीडियो जो है आपके क्लच कंट्रोल, ब्रेक और एक्सीलरेटर के बारे में है। तो ये ए बी सी क्यों कहते हैं, इसका रीज़न ये है कि ए से एक्सीलरेटर होता है, बी से ब्रेक होता है और सी से क्लच। ये दोनों लेग जो है, दोनों फुट, मेरे राइट लेग जो है, राइट फुट मेरा एक्सीलेटर और ब्रेक को कंट्रोल करता है, और वेयर एज लेफ्ट फुट है जो, वो मेरे क्लच को डिनोट करता है। क्लच का पूरा काम उसी से हो रहा है। तो हमें ड्राइविंग करने से पहले ये चीज, सिंक्रोनाइजेशन, मेरे को एक्सीलेटर और क्लच का सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। क्लच किस तरह से यूज करना है, साथ ही साथ एक्सीलेटर किस तरह से यूज करना है, या ब्रेक लगाते समय क्लच कैसे यूज करना है, ये कंप्लीट वीडियो सिर्फ और सिर्फ फुट मूवमेंट पे होने वाली है। फ्रेंड्स, आप मेरे फुट पे ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको सबसे पहले तो स्टार्टअप दिखाऊंगा कि कार आप स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से आपने आगे बढ़ाना है, और किस तरह से आप आगे इसको लेके चल सकते हैं, और कैसे आप मतलब कार को आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं, और बिजी ट्रैफिक में भी आप किस तरह से क्लच का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आप पूरी देखें, आपको पूरे फुट मूवमेंट के बारे में इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। मैं पहले आपको क्लियरली बताऊंगा इसके फंक्शन, उसके बाद आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा किसी भी नॉर्मल रोड पे जहां आपको कुछ ट्रैफिक और कुछ कार या व्हीकल्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो पे फुट मूवमेंट की। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करना चाहें कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कार में जब भी बैठते हैं, हमें ध्यान देना होता है मेरी कार न्यूट्रल है। न्यूट्रल होती है तभी हम कार को स्टार्ट करते हैं। कार स्टार्ट हो जाने के बाद हम फर्स्ट गियर लगाने से पहले हमें सबसे पहले क्लच प्रेस करना है। राइट फुट का कोई मूवमेंट नहीं है अभी मेरा, देख लीजिए। अब क्लच को क्या है, आपने पूरी तरह से प्रेस करना है। आपने ऐसा नहीं है कि क्लच थोड़ा सा प्रेस किया और गियर शिफ्ट कर दिया, आपने क्लच पूरा प्रेस करना है। फिर हम जो फर्स्ट गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर लगाने के बाद हमें फुट मूवमेंट पे ध्यान पूरी तरह से देना है, और बहुत कॉन्शियस रहना है इस चीज के लिए। हमें क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। क्लच रिलीज करते रहेंगे, एक जगह ऐसी आएगी जहां पे हमारी कार मूवमेंट स्टार्ट करेगी। उसी के साथ साथ हमें एक्सलेटर पे भी धीरे धीरे पैर रखना है। तो होता ऐसा है कि आप क्लच जैसे ही धीरे धीरे छोड़ते हैं और एक्सलेटर धीरे धीरे प्रेस करते हैं, तो आपकी कार की मूवमेंट स्टार्ट होती है, और फिर आप गियर पे गियर चेंज कर सकते हैं। तो जब कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाना होता है, तो हम क्लच को रिलीज करते हैं। गियर लगाने के बाद क्लच को रिलीज करेंगे हम, और एक्सीलेटर को धीरे धीरे प्रेस करेंगे। एक बाइटिंग पॉइंट आएगा जिसमें मेरी कार मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, मेरी कार आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। और आपकी कार का जो आरपीएम मीटर है वो 1000 के अप्रॉक्स होना चाहिए, 1000 या 1200 के अप्रॉक्स होना चाहिए, तब आपकी कार मूवमेंट स्टार्ट कर लेगी। और जैसे ही आपको मूवमेंट स्टार्ट होती है, आप एक्सीलेटर प्रेस करके थोड़ी सी पिकअप ले सकते हैं, और फिर आप गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं फर्स्ट गियर में ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कार आपको बढ़ाना सिखा रहा हूँ, आगे कैसे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं जो है गियर शिफ्ट करके दिखाऊंगा, और ब्रेक कैसे अप्लाई करते हैं, गियर शिफ्ट कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये मैं क्लच प्रेस करूंगा, और ये मैं सेकेंड गियर लगा दूंगा। क्लच मुझे पूरा प्रेस करना है, और फिर क्लच को उसी तरह से रिलीज करूंगा जैसा मैंने फर्स्ट गियर में किया था। अभी मैं यहां से टर्न ले लेता हूं, ये मैं फर्स्ट गियर में ही कार ड्राइव कर रहा हूं अपनी। ये मैंने यहां से टर्न लिया, आप देख सकते हैं मैंने क्लच पूरा रिलीज कर दिया है, और एक्सीलेटर बड़े आराम से प्रेस कर रहा हूं। तो हमारा ए बी सी का मतलब ये है कि एक्सीलेटर से मैं इंक्रीज कर सकता हूं कार की स्पीड, ब्रेक से ब्रेक अप्लाई कर सकता हूं, क्लच से मुझे गियर शिफ्ट करना है, और कर कभी कार स्लो हो जाती है, तुम आगे बम्पर ट्रैफिक है या कुछ भी ऐसा आता है, तो हमें क्लच प्रेस करके अपना इंजन ऑन रखना होता है। अगर मैं क्लच प्रेस नहीं करूंगा और कार स्टॉप कर दूंगा, तो मेरी कार का इंजन बंद हो जाएगा। तो क्लच का फंक्शन दो तरह से होता है, जैसे कि आप ब्रेक अगर अप्लाई कर रहे हैं, कार स्टॉप कर रहे हैं, तो वो एक फंक्शन आता है, और दूसरा फंक्शन ये है कि आप इंजन ऑफ नहीं कर सकते हैं। गियर शिफ्ट करेंगे और इंजन ऑफ नहीं हो इसलिए क्लच प्रेस करेंगे। अभी देखिए मैं सेकेंड गियर लगा रहा हूँ, ये मैंने सेकेंड गियर पुट किया है, क्लच को बड़े आराम से धीरे से रिलीज कर दिया है, एक्सीलेटर आराम से मैं प्रेस कर रहा हूँ, 1000 अप्रॉक्स आरपीएम में है।
और स्पीड जो मेरी आई है कार की 20 के अप्रॉक्स आ चुकी है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्लच और एक्सलेटर के बारे में समझाया है, तो इसका जो है सिंक्रोनाइजेशन आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्लच जैसे ही रिलीज करेंगे तो बहुत जगह ऐसा होता है कि आपकी इंजन कार का इंजन बंद हो जाएगा, और अगर आप एक्सीलेटर प्रेस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम प्रेस करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें एक्सीलेटर भी आराम से प्रेस करना है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही प्रेस करना है, और क्लच को आराम से ही रिलीज करना है स्लोली। अभी जैसे मैंने फर्स्ट गियर लगाया था पहले और सेकंड गियर अभी लगाया, उसके बाद मैंने गियर अपशिफ्ट नहीं किया है। मैं आपको फुट मूवमेंट दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैं फुट पे ध्यान देना, आपकी वीडियो पे आप दीजिएगा, मेरे फुट पे ध्यान दीजिएगा किस तरह से मेरे फुट की फंक्शनिंग हो रही है अभी। तो अभी मैं सिर्फ एक्सीलेटर पे लेग रखा हूँ, अपना फुट रखा हूँ, और मुझे अगर स्पीड लेनी है तो मैं एक्सीलेटर को थोड़ा प्रेस करूंगा, मेरी कार की स्पीड आ जाएगी। तो ये तो हुआ एक्सीलेटर का काम। ब्रेकिंग कैसे होती है ये बताता हूँ आपको अब मैं। अभी जैसे मुझे आगे रोकनी है कार को, सपोज ये ट्रक के पास रोकनी है या ट्रक के बाद रोकनी है, तो मैं ट्रक के पास रोकता हूँ। ये देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई की और क्लच साथ में प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की और क्लच साथ में प्रेस किया तो मेरी कार रुक गई, क्योंकि मुझे रोकना जरूरी है। अगर मुझे स्टॉप रन करना है, कंप्लीट स्टॉप करना है, तो मुझे ब्रेक पूरी तरह से प्रेस करना होगा और क्लच प्रेस करना कंपलसरी हो जाएगा, नहीं तो मेरा कार का इंजन जो है ऑफ हो जाएगा। अभी मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूं फ्रेंड्स, फर्स्ट गियर लगाया, मैंने एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूं। अब गियर मैं टर्न लूंगा यहां से, फिर आपको गियर शिफ्ट करके दिखाऊंगा। अभी मैं यहां से टर्न ले रहा हूं, अभी क्लच का यूज आएगा। मेरा क्लच पूरा प्रेस किया, मैंने सेकंड गियर लगाया, क्लच को बड़े आराम से धीरे धीरे रिलीज करके एक्सीलेटर प्रेस कर दिया मैंने। कम एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस किया है ताकि मेरी कार की स्पीड आए, और क्लच पूरी तरह से मैंने रिलीज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम हाई स्पीड में होते हैं, थोड़ी ज्यादा स्पीड में होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, ब्रेक अप्लाई करनी होती है पहले। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, ये मैं 30 की स्पीड में लेके जा रहा हूँ कार को। अब मुझे यहाँ से टर्न लेना है, राइट टर्न, तो सबसे पहले मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, मेरे कार की स्पीड स्लो कर लूंगा। मेरे कार की स्पीड स्लो हो जाएगी तब मैं यू टर्न लूंगा। अभी देखिए कार की स्पीड स्लो हो गई, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अब मैं स्टेयरिंग टर्न लेके अपनी कार को यू टर्न ले रहा हूं। अभी मैंने फिर से क्लच प्रेस किया और सेकेंड गियर पुल कर लिया अपनी कार का। अब सेकेंड गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूं फ्रेंड्स, एक्सीलेटर मेरे को जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं धीरे धीरे प्रेस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं एक्सीलेटर बहुत ज्यादा प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करेंगे तो कार मूव होती रहेगी, और मुझे स्पीड लेनी होगी तो मैं एक्सीलेटर को ज्यादा प्रेस करूंगा। तो ब्रेक के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि हम ब्रेक जब लगाते हैं, पिकअप ले लेते हैं अगर, और हमें स्लो डाउन करना है, तो हम पहले ब्रेक अप्लाई करते हैं। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होती है थोड़ी थोड़ी और स्पीड कम होती है हमारे कार की, उसके बाद हम क्या करते हैं कि डाउन शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए अभी जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई की, मुझे एकदम स्टॉप ऑलमोस्ट करना था तो मुझे क्लच प्रेस करना पड़ा, और मुझे स्टॉप नहीं करना होता या फिर डाउन शिफ्ट करना होता तो मैं क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करता और फिर रिलीज कर देता क्लच को। तो जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ए बी सी जो कि एक्सीलेटर ब्रेक क्लच के बारे में है ये वीडियो, तो अभी आप देखिए मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं और साथ ही साथ क्लच को प्रेस कर रहा हूं, क्योंकि मेरी कार जो है स्टॉप हो रही है। यहां पे हमारा मूवमेंट जो है एक्सीलेटर का और क्लच का साथ में होता है। अगर मैं क्लच रिलीज कर रहा हूं तो हमें एक्सीलेटर थोड़ा सा प्रेस करना होता है ताकि हमारी कार आगे की तरफ मूव हो।
और जब हमें ब्रेक अप्लाई करना होता है, एक्सीलेटर रिलीज करूंगा मैं तो कार की स्पीड कम होगी, ब्रेक अप्लाई करूंगा जब स्टॉप करना होगा तो मैं ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस कर दूंगा ताकि मेरा इंजन ऑफ नहीं हो। तो ये फ्रंट फुट मूवमेंट कंप्लीटली है। अब मैं आपको ये फंक्शन बताने के बाद आपको ले चलता हूँ नॉर्मल ड्राइविंग लोकेशन पे, जहाँ पे व्हीकल्स होते हैं उस लोकेशन पे आपको मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि हमारा फुट मूवमेंट किस तरह से काम करता है, क्लच कब रिलीज करना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें, जैसे अभी स्पीड ब्रेकर आया है तो स्पीड ब्रेकर पे कार हमें क्रॉस करनी है तो हम क्लच प्रेस करके रखे हैं, जैसे ही स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे हम क्लच रिलीज करके अपनी कार की पिकअप ले लिए हैं। स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचते ही हो सकता है हमें डाउन शिफ्ट करना पड़े, अगर सेकंड गियर में है तो फर्स्ट गियर करना पड़े, और स्पीड ब्रेकर एक ही है और छोटा है तो सेकंड गियर में भी कार निकल जाती है जो कि 20 की स्पीड अप्रॉक्स होगी अगर। तो अभी फुट मूवमेंट फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि ट्रैफिक या फिर थोड़े से बिजी रोड पे। फ्रेंड्स अभी मैं मर्जिंग ट्रैफिक में आ रहा हूँ, राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है और साथ ही साथ मुझे कार मर्ज करनी है तो मुझे मेरे राइट साइड से ध्यान देना है और साथ ही साथ अपने फुट मूवमेंट में ध्यान देना है। अगर मुझे कार को स्लो डाउन करना है तो ब्रेक अप्लाई करनी है और एक्सीलेटर प्रेस करना है स्पीड लेने के लिए, और उसी जगह अगर मुझे स्लो डाउन करना होता है या डाउन शिफ्ट करना होता है, मेरी कार अगर स्पीड में आ रही है और मुझे अप्रोच करना है कोई ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कि मर्जिंग ट्रैफिक है या स्लो डाउन करना है, तो जैसे कि अभी देखिए मैं ब्रेक अप्लाई किया हूँ, स्लो डाउन किया हूँ, अब मुझे डाउन शिफ्ट करना होगा, ये मैं फर्स्ट गियर में लगा ली हूँ अपनी कार को। स्पीड ब्रेकर थे तीन, उसको मैंने क्रॉस किया है, उसके बाद मैं फिर अप शिफ्ट किया हूँ मतलब सेकेंड गियर पे लगाया हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट गियर में क्रॉस कर चुका था, उसके बाद मैंने सेकेंड गियर लगाया है। अभी आगे सिग्नल है तो आप मेरे फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा मैं किस तरह से स्टॉप करता हूँ। ये देखिए मैं पहले ब्रेक अप्लाई किया हूँ, क्लच प्रेस करके मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, फिर मैंने ब्रेक अप्लाई करके न्यूट्रल कर लिया कार को। अब मैं क्या क्लच को छोड़ सकता था लेकिन सिग्नल हो गया है तो अब मैं फर्स्ट गियर लगा के अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए कि आप जैसे ही रोड में थोड़ा सा व्हीकल आएगा, ट्रैफिक आएगा, तो आप मेरे फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा मुझे कहाँ ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है या कहाँ मैं एक्सीलेटर प्रेस करके कार की स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अभी मैं 60 की स्पीड में आ गया हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने फिफ्थ गियर अप्लाई कर दिया है और क्लच को पूरी तरह से रिलीज करके आप देख सकते हैं मेरे फुट मूवमेंट में मैं एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ सिर्फ, और मेरी कार जो कि ओपन स्पेस में है तो आराम से 60 की स्पीड में मैं चला रहा हूँ। तो आगे जैसे ही ट्रैफिक आएगा उसके बाद आप मेरे फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा, मुझे डाउन शिफ्ट करना होगा तो मैं क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करूंगा, और स्लो डाउन करना है या कार को रोकना है तो ब्रेक अप्लाई करूंगा, और जैसे मुझे स्पीड लेनी है या पिकअप लेना है तो मैं एक्सीलेटर को प्रेस करके कार की स्पीड इंक्रीज करूंगा अपनी। अभी मैं कॉन्स्टेंटली 60 की स्पीड में चला रहा हूँ, इस जगह में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर जरा सा प्रेस कर रहा हूँ और मेरे कार की जो आरपीएम है वो अप्रोक्स 1600 टू 2000 के अंदर है, उससे ऊपर नहीं गई है, और मैं बीच बीच में एक्सीलेटर को अपने रिलीज कर दे रहा हूँ तो स्पीड तो मेंटेन हो रही है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस बेटर रहेगी मेरे कार की। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक्सीलेटर को बहुत ज्यादा प्रेस कर लिया है तो मैं स्पीड इंक्रीज करते ही जाऊंगा करते ही जाऊंगा, मुझे अगर 60 की स्पीड रखनी है कॉन्स्टेंटली तो मैं एक्सीलेटर को प्रेस करूंगा फिर थोड़ा सा रिलीज करूंगा बीच बीच में ताकि मेरी स्पीड जो है कॉन्स्टेंट रहे। अभी देखिए यहाँ पे सिग्नल हो गया है तो अभी मैंने न्यूट्रल कर लिया है फ्रेंड्स, और क्लच को देखिए अब रिलीज कर दूंगा मैं, ब्रेक अप्लाई कर रखी है मैंने, अभी देखिए मैंने एक्सीलेटर रिलीज किया और
क्लच प्रेस करके फोर्थ अप शिफ्ट कर दिया, फोर्थ गियर लगा लिया है, फिर मैंने वापस से एक्सीलेटर को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। बेसिक ये है कि हमें क्लच और एक्सीलेटर का तालमेल बनाना है, सिंक्रोनाइजेशन अपना ध्यान रखना है कि हमारा क्लच रिलीज हो रहा है तो एक्सीलेटर प्रेस हो, और जब मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ, डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ या ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, तब मैं एक्सीलेटर को पूरी तरह से रिलीज कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से मैं रोड में ड्राइव कर रहा हूँ और किस तरह से फुट मूवमेंट हमें रखना चाहिए, हमें एक्सीलेटर और क्लच और ब्रेक का किस तरह से अपना सिंक्रोनाइजेशन अपने फुट को प्रिपेयर करना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करके उसको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम ट्रैफिक में या नॉर्मल एरिया में भी ड्राइव कर सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा, मेरा राइट फुट जो है ये दोनों ब्रेक और एक्सीलेटर को डिनोट करता है, तो हमें जो मूवमेंट है, जैसे अभी मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ, ट्रैफिक में ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा लेग जो है ब्रेक के स्ट्रेट रहेगा, जैसे ये देखिए ब्रेक के स्ट्रेट रहेगा, और मुझे जब एक्सीलेटर प्रेस करना होगा तब मैं राइट प्रेस करूँ, राइट की तरफ घुमा लूंगा, और ब्रेक अप्लाई करनी होगी तो स्ट्रेट मैं अप्लाई कर लूंगा ब्रेक को। तो ये तो होता है हम सिटी में जब ड्राइव करते हैं, और अगर हम हाईवे में जाते हैं, हाईवे में चलाने के लिए हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि उसमें क्या है, आप ये मूवमेंट जब करते हैं ब्रेक और एक्सीलेटर का, उसमें आपके क्या है, एंकल में पेन आने लगता है, तो जो जॉइंट है आपके फुट का, लेग का जॉइंट है, उसमें पेन आने लगता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप जब हाईवे में चलाएं तो ये देखिए ये स्ट्रेट कर लीजिए, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड होगी। ये देखिए अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ उस तरह से, बहुत जन नॉर्मली भी ऐसे चलाते हैं। ये देखिए एक्सीलेटर प्रेस किया, अब जब मुझे ब्रेक अप्लाई करनी होगी आगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने स्ट्रेट रखा है, स्ट्रेट रखने से क्या आपको एंकल में ज्यादा पेन नहीं आता है। अब जब मुझे ब्रेक अप्लाई करनी होगी तो मैं ये इस तरह से लेग उठा के अपनी ब्रेक में प्रेस करूंगा। तो यूजुअली क्या है, हाईवे में इस तरह से प्रेस ड्राइव करने से, जो मैंने आपको समझाया, इस तरह से ड्राइव करने से हाईवे में आपके लेग में या फुट मूवमेंट में, मतलब आपके जो एंकल में है, वो पेन नहीं आएगा, आपको थकावट नहीं लगेगी। देयर सिटी में जो है, आप इस तरह से ड्राइव करें, अपने ब्रेक के तरफ पैर रखें और राइट, जब एक्सीलेटर लगाना है तो राइट की तरफ खाली मूव कर लें, हील अपना आपका नीचे फ्लोर पर टच रहेगा और राइट की तरफ मूव कर लें। बट इस चीज के लिए ध्यान रखें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, कभी गलती से ऐसा ना हो कि एक्सीलेटर प्रेस हो गया ब्रेक लगाने की जगह, तो बहुत गंदे तरह से एक्सीडेंट होता है, बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। तो बहुत ही सावधानी रखें, जो ड्राइव करते हैं उनके साथ ही ड्राइव करना सीखें, और जब भी प्रैक्टिस करना हो आप खुली जगह में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप कॉन्फिडेंस हो जाएं तभी अपनी कार को लेकर आप ट्रैफिक में आएं। तो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, थोड़ी सी ट्रैफिक मिलेगा मुझे, तो आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से मैं फुट मूवमेंट कर रहा हूं अपना। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अपने लेग को, मेरे फुट को मैंने बोथ वे से, दोनों तरह से ड्राइव करने के लिए ट्रेन कर रखा है। मैं मिडिल में जैसे ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं तो मैं स्ट्रेट पैर रख के भी कर सकता हूं, और फुट मूवमेंट, फुट उठा के भी मैं एक्सीलेटर और ब्रेक पे अपना फुट मूवमेंट कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे आगे जो कार चल रही है उसने अप्लाई किया ब्रेक, थोड़ा सा लेफ्ट लिया, तो मुझे भी स्लो डाउन करने के लिए अपने फुट मूवमेंट से राइट लेग को, राइट फुट को मूव करके ऐसे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। तो ये जो तरीका है जो मैं अभी कर रहा हूँ, नीचे मेरा फुट का, राइट फुट का जो टो है वो खाली मूव हो रहा है, हील जो है वो फ्लोर पे टच है, वेरस क्लच के लिए मुझे लेफ्ट फुट पूरा कम्प्लीटली अपना उसी की तरफ ध्यान देना है, और लेफ्ट फुट कम्प्लीट मेरा क्लच के लिए है, वेरस राइट फुट जो है आप देख सकते हैं मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ और साथ ही साथ जब एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ तो किस तरह से अपने लेग का मूवमेंट कर रहा हूँ।
यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक नहीं है बट स्लो मूविंग होगा यहाँ पे, क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, साथ ही साथ लोग क्रॉस करते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल को अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो ड्राइविंग सीख रहे हैं। और मैं आपको फिर से सतर्क करना चाहूँगा कि आप ड्राइविंग चलाना सीखें या सीख रहे हों तो अपने साथ किसी एक्सपर्ट को लें जो जिनको ड्राइविंग आती हो, ताकि आपसे कोई गलती हो या कोई मिस्टेक हो तो वो ओवरकम कर सके, वो आपको कुछ उस चीज के बारे में बता सके। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।